मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं होता कि मैं छोटी से बड़ी हो गई। हाय, तो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ब्लॉग्स हिंदी। तो आज है फ्राइडे। वैसे मैं आपसे बाकी सारी बातें बाद में करूँगी, सबसे पहले मैं क्विकली आईलाइनर लगा लेती हूँ। और आज मैं बहुत अलग तरीके से आईलाइनर लगा रही हूँ, तो मैं बताती हूँ। मैंने खुद ने आज सीखा है, तो मैं भी अप्लाई कर रही हूँ आपके सामने। और मैं रेडी बाद में होंगी, पहले आईलाइनर लगाऊंगी। थोड़ा सा पास लेती हूँ, देखो ताकि क्या बनाया मैंने ऐसे राइट। फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ मैं आज इस तरह का आई लाइनर, सीरियसली। एंड आई हैव नो आइडिया कि अच्छा लगने वाला है कि नहीं, गॉड नोज। वैसे मेरी आंखें इतनी भी छोटी नहीं है कि मुझे इतना बड़ा आई लाइनर लगाना पड़े, बट लेट्स ट्राई, है ना? क्या फर्क पड़ता है। और ये आर्ट है, आर्ट है ना। वैसे तो मेकअप आर्ट है, पर मेकअप में सबसे बड़ी वाली आर्ट यही है। ओह शिट, फैल गया ये ऊपर आईलाइनर। तो ऐसे मत घुस, वैसे इतनी टफ होता है आईलाइनर लगा। हटो यहाँ से। मैं आज आई एम ट्राइंग लिटिल डिफरेंट वे। मेरे को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा उसको, जरा इधर से ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तू अभी रेडी होने के लिए मत कहना मेरे से कि मैं रेडी हो जाऊं। क्या ऐसे कर रहे हो? हमेशा ना गड़बड़ तो होती है। देखो कर नहीं, ठीक अभी हो ही नहीं है ना। देखा ये होता है मेरे से। मैं आईलाइनर बहुत अच्छा लगाती हूँ, हमारे घर में सबसे अच्छा आईलाइनर मैं ही लगाती हूँ। और आज मैंने नया सीखा है किसी जापानीज लड़की से, तो ये हो रहा है मेरे साथ। लग गया, ठीक है मैं इसको सुखाती हूँ। देसी तरीका सुखाने का, ठीक है चलो मिलते हैं अभी रेडी होके। थोड़ा सा काजल लगाऊंगी आज, पूरा लगाऊंगी। नॉर्मली मैं पूरा काजल लगाती हूँ। हो गया आज मेरा काजल और लाइनर। अब मैं कैसे लग रही हूँ भगवान जाने, मैं तो कर लिया आज मुझे करना था, तो जो मुझे करना था मैं कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने ये किया था और बहुत भड़क सी उठी थी मुझे टैटू बनवाने की, तो मैं उसके पास गई। मैंने कहा भाई टैटू बनवाना है, छोटे से छोटा वाला बता। तो वैसे उसने मुझे और भी छोटा बताया था, फिर मैंने कहा यार पता नहीं, तो बना दे चल, ये ही बना दे चल। तो ये उसने बना दिया, 400 रुपए का बना था ये। पता नहीं लोग बड़े बड़े टैटू कैसे बनवा लेते हैं 1000 रुपए के, मेरी तो 400 रुपए देने में भी जान निकली थी। तो मुझे ये करना था, कर दिया, खत्म। मेरे मन शांत हो जाता है कुछ करके बस। और कर देना चाहिए, मतलब देखो सबको पता होना चाहिए अच्छा है कि बुरा है। बुरा बुरे को कंट्रोल करना पड़ता है, अच्छा हो तो वो आपको कर लेना चाहिए। मतलब अच्छा मतलब इतना बुरा भी नहीं है ना ये, इससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा, इससे भी किसी को नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। लड़कियों की तो ऐसी ही रहती है चीजें जो नहीं करनी होती, तो लड़की बोल रही हूँ अपने आप को। मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं होता कि मैं छोटी से बड़ी हो गई। चलो रेडी होते हैं। अच्छा हाँ, मैं दिखा देती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ। मैं पहन रही हूँ ये वाली साड़ी, बहुत सिंपल साड़ी है वैसे तो। मतलब सिंपल मतलब सिंपल नहीं है ये, ऐसे इसमें ये वर्क है। और इसके ऊपर मैं ये वर्क मतलब ये ऐसा है, ये वर्क फील होता है। और के ऊपर तो ये मेरा फेवरेट ब्लाउज है, ब्लाउज नहीं है ये, वो लहंगे का है, लहंगे का है, तो ये पहनूंगी मैं, मुझे बहुत पसंद है। चलो तो चलो आई जस्ट गेट रेडी, फिर मिलती हूँ आपसे। मैं यही पहनने वाली हूँ। ये वही लिपस्टिक्स हैं छोटी वाली, याद है जस्ट हर्ब्स की। तो मैं वीडियोस बनाती हूँ इसलिए फिर भी लग जाती हैं, यूज हो जाती हैं। तो सही निकाली है इन्होंने सीरियसली, 16 शेड हैं और छोटी 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 छोटी। वो अनुपमा क्या तैयार होती है आईलाइनर, जो कि मैंने वो भर भर के लगाया है लिपस्टिक। और हम लगाने जा रहे हैं एक बिंदी।
तो हम बिंदी लगाएंगे स्काई ब्लू। वैसे मुझे रेड लगानी चाहिए, इच्छा हो रही है कि स्काई ब्लू लगा के देख लें। अच्छा लग गया, रेड तो वैसे भी वो सिंदूर भी लग ही जाएगा। आईब्रोज फिल करनी है, मेरी आईब्रो है ना देखो इधर कम है, अभी आईब्रो बनी भी नहीं है, बहुत दिन हो गए, इधर भी और इधर थोड़ी सी कमी सी लगती है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और करूँगी क्योंकि ब्रश को डार्क करने से पहले लाइट पे जरा हाथ आजमाया जाए। मेकअप किया नहीं लेकिन मैं आईज का थोड़ा सा पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, नो आइडिया, बस ऐसे ही उसने बताया था कुछ कुछ कि यहाँ पे लाइट लगाना है तो मैंने लगा लिया। अब मैं आईब्रोज फिल करने से पहले हल्का सा ब्राउन ये वाला शेड मैं अपनी नीचे लगा रही हूँ। ठीक है ये तो हो गया, अब मैं अपनी आईब्रोज फिल कर लेती हूँ, हो गया मेरा, पर मेरे से सीख मत लेना ठीक है। हो गया बस ठीक है, इतना सही बहुत है ना। वैसे ये मेरा बहुत फेवरेट है पर मैं बहुत कम यूज करती हूँ उसको भी, और ये भी मैंने सालों पहले लिया था। अब मेरे को पूजा करनी है ना, तो पूजा के लिए पहले मैं चूड़ी वगैरह पहनू। दिखाती हूँ ठीक है, वैसे मैंने हेयर स्टाइल अभी मैं एक्चुअली पूजा करूंगी ना तो मैं बाल बांध लूंगी ऐसे करके, उसमें खुलूंगा मैं खुले चल। ओ ये मेरी साड़ी है, पूरी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, दिख रही होगी ठीक है। तो ये अच्छी लग रही है, सिंपल है, और अब मैं पूजा कर लेती हूँ। 5 बज गई, मैंने सब लेडीज को 5:30 से 6 के बीच में बुलाया है, और मैं आपको बता देती हूँ मेरी पूजा की तैयारी क्या क्या है और क्या क्या होता है इसमें। चल सब ना निकाल, ये सामान है उद्यापन का, सबको ना देना भी होता है, कुछ गिफ्ट भी देना होता है ठीक है। ये सब ले आई मैंने, कोई बच्चा भी अगर आएगा तो उसको दे दूंगी, और अलग वो अलग शॉप से लाई फिर मैं बची हुई, कोई बात नहीं रख दो सब। ये इस तरह से बॉटल्स हैं, बहुत सारी बॉटल्स हैं, कुछ भी दे दो। मैंने 3-4 बार उद्यापन कर चुकी हूँ मैं, एक बार तो मैंने शायद कोई बर्तन दिया था, एक बार दिया दिया था, और एक बार ये अभी लास्ट टाइम कर रही हूँ, 14 लाई हूँ क्या। तो मैंने अभी फिलहाल बाल बांध दिए, हल्के से बांध दिए, ज़्यादा कस के नहीं बांधे खराब हो जाएंगे ठीक है। तो मैं पूजा कर लेती हूँ, और पूजा हमेशा बाल बांध के ही करनी चाहिए ठीक है, खुले बाल नहीं करनी चाहिए। तो पूजा करके फिर मिलती हूँ ठीक है। खीर भी बना दी है मैंने और सब तैयारी हो गई है, वैसे और कुछ है नहीं। खाना 5:30 बजे कोई नहीं खाता, अगर हमें खाने पे कोई बुलाए तो हम मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम तो खैर कितना भी, पर हम 7 बजे तक खा सकते हैं, बट अभी यहाँ कोई खाना खाता नहीं है इतनी जल्दी, तो खाने बुलाने का कोई मतलब ही बनता, मतलब इनमें उद्यापन में। अभी जैसे करवा चौथ का उद्यापन करा था तो वो तो प्रॉपर खाना ही था, और उसमें तो मतलब वैसे भी चंद्रमा का ही उगने का वेट करना रहता है। किसका फ़ोन आ रहा है, फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, बात बात करती हूँ अभी। बस मेरे कुछ लेडीज़ तो आने वाली हैं, तो उनको करती हूँ मैं क्या करते हैं हल्दी कुमकुम प्रसाद देना और ये गिफ्ट, और वैभव लक्ष्मी की पुस्तक वो देनी होती है ठीक है। कैसा लग रहा है मेरा आई लाइनर, आई थिंक अच्छा लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा है, नाइस ट्राई। करत करत अभ्यास के जड़ मती होए सुजान, वैसे ही मैं भी सीख जाऊंगी। तो हो गया, अभी बाकी सब लेडीज तो आके चली भी गई, बस 3 लेडीज और आना बाकी हैं, और उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी ओके। तो फिर मेरा आज उद्यापन ब्लॉग मैं यहीं एंड कर देती हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं लेडीज़ को दिखाती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि देखो सबको यूट्यूब पे आना पसंद नहीं होता है, किसी के घर में कोई रिस्ट्रिक्शन होता है, जो जितने आ सकते थे उतने मैंने आज ले लिए, बाकी मैं ज़्यादा नहीं ले सकती ठीक है। तो मैं अपने आज के इस उद्यापन ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।
तब तक के लिए आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, करते नहीं हो आप, ठीक है? और शॉर्ट्स वीडियो भी देखते हो, फुल वीडियो भी देखते हो? मेहनत तो मेरी इनमें भी होती है ना, देख लिया करो और सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।